गाइज, एक हाउस में जितना भी वायरिंग होता है देख सकते हो, यहाँ पोल पर से मीटर में आता है, मीटर के बाद एमसीबी में आता है, उसके बाद हम किसी भी बोर्ड में वायरिंग करते हैं फैन और बल्ब के लिए, और सारा सॉकेट में लाइन देते हैं। तो गाइज, कैसे इसका कनेक्शन होता है हम शुरू से आज बताने वाले हैं, जो कि सारा डायग्राम यहाँ पर बन चुका है। तो गाइज क्या करते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये इनपुट होता है मीटर का और ये मीटर का आउटपुट होता है। पोल पर से जो दो फेज आता है ये इस प्रकार से आता है। ये हम न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए हैं और इस कलर से हम फेज को कनेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि देख सकते हो यहाँ पर इनपुट आ गया है। अब मीटर से आउटपुट एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट पे आता है, तो नीचे वाले पॉइंट पे हम यहाँ पर फेज कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर हम न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देते हैं। ये देख सकते हो इस तरह से यहाँ न्यूट्रल आ गया एमसीबी में, नीचे ही दिया जाता है एमसीबी में और ऊपर से लाइन लिया जाता है, तभी एमसीबी ट्रिप करता है शॉर्ट लगने के टाइम में। तो गाइज, इसके बाद यहाँ से जो लाइन निकलेगा ये फ्यूज है बोर्ड का और ये इंडिकेटर है बोर्ड का, तो दोनों में दो दो पॉइंट होता है इस तरह से। फ्यूज में भी दो पॉइंट और इंडिकेटर में भी दो पॉइंट होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर फेज जो होता है, फेज फ्यूज के ऊपर वाले में इस तरह से कनेक्ट करना होता है। ये देख सकते हैं फ्यूज के ऊपर में फेज कनेक्ट हो गया। अब यहीं से फेज हम सारा स्विच में देते हैं, यहाँ जितना स्विच है सब स्विच में यहाँ से फेज दिया जाता है इस तरह से, जो कि देख सकते हो सारा स्विच में इस तरह से शॉर्ट कर दिए हैं। उसके बाद क्या करना होता है, हर स्विच से सॉकेट में एक एक लाइन को दिया जाता है। ये स्विच है, जैसे स्विच से यहाँ पर फेज इसमें कनेक्ट कर दिए और इससे इसमें कनेक्ट कर दिए, इससे इसमें कनेक्ट कर दिए और इससे इसमें कनेक्ट कर दिए, फेज सारा सॉकेट में आ गया है। और क्या हमें करना होगा, ये इंडिकेटर में मेन और न्यूट्रल दोनों देना होगा तभी जलेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मेन यहाँ पर एक इंडिकेटर में इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अभी हम मेन का एक कम बाकी रह गया, ये जो होल्डर है, होल्डर बल्ब है, इसमें भी दो पॉइंट दिया जाता है, एक स्विच से और न्यूट्रल दिया जाता है। तो फेज हम यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, ये स्विच से देख सकते हो यहाँ कनेक्ट हो गया होल्डर का, यहाँ फेज का सारा कनेक्शन हो गया। अब एक स्विच यहाँ बचा है जो फैन और बल्ब के लिए लेंगे। तो फाइनली गाइज क्या करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हो ये इस तरह से फेज लेकर यहाँ एक बल्ब में डाल दिए और यहाँ से एक लेकर हम फैन में डालने वाले हैं इस तरह से, जो कि देख सकते हो गाइज यहाँ फैन में आ गया। अब यहाँ मेन का सारा कनेक्शन हो चुका है, सिर्फ न्यूट्रल का कनेक्शन अभी बाकी है। तो फिर एमसीबी का न्यूट्रल पॉइंट पर से ये कला देख सकते हो ले लिए हैं। इसके बाद यहाँ इंडिकेटर में आएगा न्यूट्रल, यहीं से हर जगह हम न्यूट्रल कनेक्ट कराएंगे। एक न्यूट्रल यहाँ होल्डर में हमें देना होगा तो होल्डर में एक न्यूट्रल दे दिए, और हर सॉकेट में हमें न्यूट्रल देना होगा तो हर सॉकेट में भी न्यूट्रल देना होगा, जो कि देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर दे दिए हैं। और यहाँ से यहाँ न्यूट्रल दे दिए, यहाँ से यहाँ दे दिए और यहाँ से यहाँ दे दिए, यहीं से न्यूट्रल हम इन दोनों में दे सकते हैं, फैन और बल्ब में। तो यहीं से हम न्यूट्रल दे देते हैं, यहाँ दे दिए और इसी से जोड़कर हम यहाँ न्यूट्रल दे दिए। तो गाइज कुछ इस तरह से हमारा घर में जो वायरिंग होता है बोर्ड का, इसी तरह से बोर्ड का वायरिंग होता है। पोल से मीटर में आता है, मीटर से एमसीबी में, एमसीबी से यहाँ पर बोर्ड में आता है, बोर्ड से फैन बल्ब वगैरह या सॉकेट वगैरह हर चीज़ में लाइन दिया जाता है। आई होप कि गाइस आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिला तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।